एट द सेम टाइम उनके बगैर काम भी नहीं चलता है। तो इमरान रियाज खान का कहना है कि भाई अभी तो इमरान खान को वीडियो लिंक के थ्रू जो है ना वो पेश करने का हुक्म हुआ, तो इस कदर ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जब इनकी रिहाई का हुक्म होगा तो फिर क्या होगा, फिर कंपनी बहादुर क्या करेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे गरीदा फारूकी साहबा जो हैं उन्होंने अपना जो लिफाफी सहाफ़ी वाला काम है वो नहीं छोड़ा, और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि जब इमरान खान साहब का नाम आप नहीं ले सकते, उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकते, तो फिर उनको वीडियो लिंक पे क्यों ले रहे हैं आप, क्या वजह है। ठीक है जी, गुरीदा फारूकी साहब वैसे भी बड़ी परेशान है आजकल कि उनका ये कहना है कि भई ये जो अब्दुल कादर ट्रस्ट केस में अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को जो बेल मिली है वो बहुत बड़ी जो है ना वो इंसाफ की धजियां बखेर दी गई हैं उनके ख्याल में। वो कहती हैं कि ये बिल्कुल सीधा साधा केस था, इसमें गवाहान भी मौजूद थे, सब मौजूद थे, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को जो है वो बेल दे दी गई। इसका मतलब ये है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई बल्कि फेस देखकर कार्रवाई हुई है, ज़ाहिर इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब को बहुत बड़ी सियासी फेवर दी गई है इसमें, और जो है ना वो ये केस को लंबा बल्कि केस को ख़राब करने की कोशिश की गई है कानूनी तौर पे, और इमरान खान साहब को इसमें सियासी फेवर दी गई है। तो उस पर इस नाचीज़ ने लिखा था उनके उस पर ट्वीट पे कि भई बीबी खुदा का खौफ करो, ठीक है, क्या इमरान खान के जितने भी केस बने अभी तक क्या वो भी उनको सियासी फेवर देने के लिए बने थे, अगर ये ज़मानत उनको सियासी फेवर देने के लिए बनी है। असल में तो जुल्म ये है कि जबर ये है कि ये केस बनने नहीं चाहिए थे इमरान खान साहब के हवाले से, इनका कोई तुक नहीं बनता था, झूठे जाली फ्रॉजुलेंट केसेस आएंगे और वो बना के आपने जनाब सारा कुछ कर लिया है, और झूठ की बेस पे आपने कानून के लूप होल्स के फ़ायदा उठाते हुए आपने कर लिया, उनको जेल में बंद कर दिया और नाहक जेल में बंद किया हुआ है। अलकादर ट्रस्ट केस का तो काम सीधा सीधा है कि भाई वो पैसे जो हैं वो मलिक रियाज ने दो नंबरी करके पाकिस्तान से जैसे भी वो ले गया, लंदन ले गया, वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया, वहाँ की एनसीसी ने, ठीक है एनसीसी है समथिंग जो भी है, और उन्होंने कहा कि भाई दो तरीके हैं, या तो आप पैसे ले लें इनसे, या फिर आप ये है कि आप आगे ट्रायल करें और फिर इसका मतलब इसका कोई और लंबा तरीका चलेगा। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उस वक्त कि जी पैसे हम ले लेते हैं, वो पैसे जो हैं वो पैसे किधर आए, वो पैसे आपके उसमें आए जिसे हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, तो वो किसके पास हैं, स्टेट के पास हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि भाई वो पैसे आप जाके ले लें। दूसरा जो आप ये कहते हैं कि जी ये जो है ना इमरान खान साहब ने फ़ायदा लिया है मलिक रियाज से इस चक्कर में कि वो पैसे उन्होंने उनसे जो जो उनके ऊपर जुर्माना था उस मद में ले लिए, और उसकी बेस में उसके सौदे में इमरान खान को फ़ायदा हो गया कि अलकादर ट्रस्ट की जो ज़मीन वो मिल गई। तो भाई वो तो अगर ली भी है उन्होंने तो वो ज़मीन तो जो है वो एक यूनिवर्सिटी को उन्होंने ट्रस्ट के नाम किए हुए, इमरान खान या जो बुशरा बीबी हैं उनके अकाउंट में तो एक रुपया भी नहीं गया। तो गुरीदा फारूकी जैसे और इन लिफाफी साफियों को ये समझना चाहिए कि ये केस ही घटिया था, ये गलत किस्म का केस था, ये फ्रॉजुलेंट केस था, सारे केसेस फ्रॉजुलेंट है, ठीक है। तो वो बेचारी अब परेशान हो रही हैं कि भई ऐ क्यों हो गया जी। तो इस पे बहरहाल इमरान रियाज खान साहब ने कहा है कि अभी बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि वीडियो लिंक के पे ही आने का हुक्म दिया गया है, तो इतनी गर्मा गर्मी हो रही है, गहमा गहमी हो रही है, सारे लिफाफी साफी परेशान हो गए हैं। उसके बाद जनाब जो हैं हमारे जो ना लोग एक्साइटेड हैं कि वो इमरान खान साहब को देखें, उनको सुने और सब कुछ वो करें, बट एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि भई जो है ना अब देखते हैं रिहाई के ऊपर क्या बनता है, रिहाई भी होनी चाहिए जी। थैंक यू सो मच हफ्सा, हफ्सा सिस्टर हैं और अब्दुल हादी हैं, और साथ किंग कुमार कह रहे हैं फेस तो दिखाओ सर, और तुसी साड़ा फेस ना वेखो, तुसी यह मौसम वेखो, वेखो कितना चंगा मौसम जी, राइट, इतने अच्छे अच्छे सीनरी है, मुझे तो काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी, मेरी तो फेवरेट प्लेस है जब मैं इधर होता हूँ, तो ये जो है ना आई रियली लाइक यू नो स्पेंड सम टाइम हियर अगर मेरे पास जैसे टाइम होता है। तो फेस फेस अगर आपने देखना है मेरा तो वो काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं ठीक है, तो उस पर आप देख सकते हैं, वैसे भी की करना ये, हाँ जी गल सुनया करो, सॉरी पंजाबी में कह दे तो कि बात सुना करे, फेस की खैर है।
अच्छा जी, तो कहने का मकसद ये था कि इसमें जितना भी कुछ है इमरान रियाज खान भाई का